उसके बाद यहाँ पे ये आता है जी बुहारी एडिटोरियम, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, और ये बुहारी गार्डन है, और जो हमारी क्लासेस होती हैं फारसी की सर्टिफिकेट की, वो इस बिल्डिंग में होती हैं। इस बिल्डिंग में हमारी क्लासेस होती हैं। तो हमारे जो मेन ब्लॉक है वो पीछे आपको नज़र आ रहा है, वो वाला हमारी बीएस की क्लासेस उधर होती हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। के काम साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम हुआ हो सो फर्स्ट नमाज पढ़े, उसके बाद कोई काम। हमने अभी नमाज पढ़ ली है जिसकी की खूबसूरत सी मस्जिद में, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हमारा लेक्चर ओवर हो चुका है। हमारे साथ हमारे अफान भाई आ चुके हैं। अफान भाई, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? आप सबकी खैरियत से हैं? ये जालिम बंदों को देखे ऊपर आग लगा के, पता यार इनका क़यामत कितने लहदा हिसाब हो। वो ऊपर बैठे, हाँ बिल्कुल यार, बंदा गुजरते गुजरते ही हाथ थोड़े से सेक लेता है। नहीं ना, और ये हमारा चलते चलते ब्लॉग आ चुका है। कितनी ज्यादा धुंध है देख रहे हैं, फॉग इतनी ज्यादा है। क्या ही शाम है, क्यों जी, खूबसूरत नजारे। हमारे पीछे बुखारी ऑडिटोरियम, और सामने देखिए, मैं कहता हूँ अखीर हो गया, खूबसूरत नजारे हैं। तन्हाई है, उदासी है, सर्दी है, चाय की कमी है। इकबाल के कमरे के सामने से गुजरते हुए हम लोग पहुंचे एम्फी थिएटर, जबरदस्त से एम्फी थिएटर में, लेकिन अभी भी एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे बैठे हुए लोग, और क्या ही बात। आखिर यार मज़ेदार लगती है यूनिवर्सिटी रात को। ये वीसी साहब का ऑफिस, ये हमारे वीसी साहब का यहाँ से ऑफिस। अब हम लोग पार्किंग में पहुंच चुके हैं, और अफान भाई मुझे ड्रॉप करेंगे मेरे हॉस्टल तक। ये पार्किंग आज खाली, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।